नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों हमको पता है कि आपने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, और दोस्तों आप लोग जानना चाहते हो हरियाणा पुलिस फिजिकल में आप लोगों की हाइट और चेस्ट कितनी कितनी होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए, इसमें सारी जानकारी हम बताएंगे केवल हाइट और चेस्ट के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना। इसमें कुछ जानकारी अलग से भी बताने वाले हैं। आप लोगों के बहुत कमेंट आए हैं कि इसमें इतना क्या होना चाहिए, इतना क्या होना। दोस्तों इसीलिए हमने एक सेपरेट अलग सी वीडियो हाइट और चेस्ट के लिए बनाई है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, और इसमें जितनी भी हाइट मांगी जाती है उससे वो लोग कम नहीं लेते हैं। ठीक है, आपके पास इतनी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकर चलते सीधे आपको उसी स्लाइड पर। और वहां जाने से पहले प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेल फीमेल हाइट और चेस्ट। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो भी मेल कैंडिडेट ने 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। दोस्तों जनरल कैटेगरी में कौन कौन आता है? दोस्तों जनरल कैटेगरी में एक तो हरियाणा राज्य के जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे आएंगे, और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो जो भी पुरुष हैं वो ध्यान रख लें, आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लोग रिजर्व कैटेगरी में, मतलब जिनको रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC एक्सर्वेशन, जो भी हरियाणा स्टेट के हैं, उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट जो है होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हाइट की बात किसके लिए, मेल के लिए। अब हाइट की बात फीमेल के लिए कर लेते हैं। दोस्तों फीमेल जो कि जनरल कैटेगरी में है, मतलब हरियाणा राज्य की महिलाएं जो जनरल कास्ट में आती हैं वो, और अदर कास्ट के, सॉरी अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे जितने भी फीमेल हैं उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरी उन्होंने बोला कि जो भी रिजर्व महिलाएं हैं, मतलब SC ST OBC जो भी है, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन एज में मिला है, ठीक है, तो उनको 156 सेंटीमीटर उनकी हाइट जो है होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उनकी 156 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात कर लें। दोस्तों चेस्ट में सबसे पहले एक तो यहाँ पर बात मैं बोल दूँ कि महिलाओं की चेस्ट जो है उनका नहीं नापी जाती है, उनका मेजरमेंट नहीं होता, तो उनके लिए नील लिखा हुआ है। अब मेल की बात कर लेते हैं। वही बात आ कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी के जो भी हरियाणा राज्य के जनरल कास्ट में आते हैं उनकी चेस्ट 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और चेस्ट को फुला के जिसको एक्सपेंशन बोला जाता है 5 सेंटीमीटर मांगते हैं, तो मतलब 87 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इन्होंने 4 मांगा है, ठीक है, 5 मांगते हैं लेकिन इन्होंने केवल 4 ही मांगा है, तो 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर वहीं रिजर्वेशन OBC ST SC कैटेगरी की बात कर लें तो उनके लिए 81 सेंटीमीटर की चेस्ट मापी जाती है और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन लेके 84 सेंटीमीटर उनकी कर दी जाती है। तो दोस्तों वही बात होती है कि आपकी एक्सपेंशन फुला के जनरल कैटेगरी वालों की 87 सेंटीमीटर चेस्ट और रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट के लिए 85 सेंटीमीटर चेस्ट, तो ये आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी ये है तो आप फिट हैं, भर्ती हो सकते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई और वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं पूरा एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें फिजिकल की सारी चीज़ें बताओ, उसमें क्या क्या होगा, रनिंग रेस पुलअप चिनअप्स उठक बैठक जो कुछ भी है सारी जानकारी हम बताएंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना है और बताना है कि उसकी वीडियो बनाए कि ना बनाए। तो दोस्तों हमको ऐसा है आपको ये वीडियो तो अच्छी लगी होगी, जानकारी भी अच्छी लगी होगी, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।